नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दलित राजनीति का जो नमूना 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला वो एक मिसाल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठाकर बीजेपी ने जो संदेश देना चाहा, लगता है भारत बंद आंदोलन के बाद दलितों को रिझाने की सब कोशिशें मिट्टी में मिल गई। अमित शाह के दलित स्नान से लेकर दलित खोज तक सब पर लगता है पानी फिर गया। तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी की मोदी सरकार की छवि को दलित विरोधी के तौर पर पेश किया जा रहा है। बवाल तो शांत हो गया, लेकिन बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई हैं। बीजेपी को हाल फिलहाल दलितों का जो सपोर्ट मिला है उससे छिटकने का डर सताने लगा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी ऐसे वक्त आया है जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बारी है, जहां बीजेपी सत्ता में है। ये दलितों का आंदोलन ही है कि गुजरात में जिग्नेश मेवाणी जैसे युवाओं ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया और अब तो दिल्ली पहुंचकर भी ललकारने लगे हैं। क्या बीजेपी दोबारा दलितों में विश्वास पैदा कर पाएगी या फिर कांग्रेस अपने परंपरागत दलित वोट बैंक को बचाने में सफल होगी? ऐसे में देखना होगा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दलित आखिर किसका होगा। देश में आज भले ही कई क्षेत्रों में विकास के नए आयाम गढ़े हों, लेकिन देश की राजनीति आज भी जातिवाद के इर्द गिर्द ही घूमती है। हाल में दलित वोट बैंक को लेकर सभी दल राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 2 अप्रैल को हुए दलित आंदोलन के साइड इफेक्ट। आंदोलन से क्या बीजेपी को होगा नुकसान? क्या दलित वोट बैंक को साधने में बीजेपी रही असफल? क्या कांग्रेस परंपरागत दलित वोट बैंक को फिर से साथ पाएगी? देश में दलितों का करीब 18% वोट बैंक, बीजेपी में सबसे ज्यादा दलित विधायक और सांसद। चुनावों से पहले दलित आंदोलन से बीजेपी हुई चिंतित। SC/ST एक्ट में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश 2 अप्रैल को दलितों के बड़े आंदोलन के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हित साधने में जुटी हैं। दलित कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जा रहा है, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के दौरान कांग्रेस का वोट बैंक छिटक कर बीजेपी में चला गया। वर्तमान में एक बार फिर देश के राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने भले ही दलित वोट बैंक को कांग्रेस से छीन लिया हो, लेकिन दलितों को पार्टी में बनाए रखना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। 2018 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव से पहले 2 अप्रैल को हुआ दलितों का हिंसक आंदोलन बीजेपी के गले की फांस बन गया है। SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में दलितों का एक उग्र आंदोलन हुआ, जिसका बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। दलित वोट बैंक कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जा रहा था, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में दलितों का बीजेपी की ओर आकर्षण हुआ, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति पैदा हो रही है उसे दलितों की नाराजगी बीजेपी के प्रति बढ़ती जा रही है। ऐसे में 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। एक बार फिर से उनको साधने में सक्षम हो रही है, बीजेपी की चुनौती है, क्या लगता है? अब देश की जनता ने इस मिथक को तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ समाज का हर वर्ग साथ है। कांग्रेस के आचरण और चरित्र को उन्होंने 70 साल के समय में 55 साल के शासन में देखा है और तुलना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के शासन को भी देखा कि निश्चित रूप से उस आम आदमी की तरक्की के लिए, बहबूबी के लिए पार्टी और सरकार काम करती है। उस अंतर को देख करके व्यक्ति अपने इस देश और समाज के हित के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता के साथ आया है और आगे भी है। बीजेपी दलितों को साधने के लिए भीमराव अंबेडकर के नाम से कई योजना शुरू कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीम ऐप की शुरुआत की। आरक्षण की समीक्षा के नाम पर सरकार के मंत्री लगातार सफाई देते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दलित वोट बैंक एक बार फिर बीजेपी से तेजी से छिटकता जा रहा है। प्रदेश भाजपा दलितों को आकर्षित करने के लिए 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अम्बेडकर जयंती पर संविधान सप्ताह मनाने जा रही है, लेकिन SC/ST एक्ट के बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर
दलितों की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे देश में उग्र आंदोलन खड़ा हो गया है। दलित वोट बैंक को साधने के लिए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार भीमराव अंबेडकर के नाम से कई योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है। वहीं अंबेडकर जयंती के लिए दलितों को साधने के लिए 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक संविधान सप्ताह समारोह मनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से दलितों की एक बड़ी सभा की जाएगी और दलितों को पार्टी में साधने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो दलित आंदोलन एसटीएससी एक्ट के खिलाफ हुआ, उसको लेकर बीजेपी की अब चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि खुद दलित नेता इसका विरोध कर रहे हैं और खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए 2019 लोकसभा चुनाव और 2018 विधानसभा चुनाव से पहले दलितों की नाराजगी भारी पड़ती जा रही है। दलितों को पार्टी में बनाए रखना बीजेपी के लिए रहा आसान नहीं है। देश में अंबेडकर जी का जबरदस्त योगदान है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, दुनिया में संविधान बदलने की बात हुई होगी, लेकिन ये ऐसा देश है जो संविधान को आज भी, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी, उसी संविधान को गीता मानकर हम काम करते हैं। इसलिए उस संविधान को, जो कुछ भी दिया, उस संविधान को हम सब स्वीकार करें, उसके साथ आगे रहें, उस महापुरुष को याद करें, इसलिए याद करते हैं। मुझे जो कहना, आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले दलितों की नाराजगी ने देश की सियासत में नए समीकरण को जन्म दे दिया है। ऐसे में बीजेपी दलितों को साधने में लगी है, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर अपने परंपरागत वोट बैंक को हासिल करने में लगा है। जयपुर से न्यूज इंडिया के लिए पिंटू सिंह नरूका की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से। हम सीधे आपको उधर लिए चलते हैं, जहां जोधपुर में सलमान खान को जमानत मिल गई है और जेल से इस वक्त बाहर आ गए हैं सलमान खान। जेल से बाहर आ चुके हैं सलमान खान और बाहर जमावड़ा जो है वो समर्थकों का लगा है, फैंस का लगा है, और सलमान खान 25,000 के मुचलके पर बाहर आ चुके हैं। चार्टर्ड प्लेन से मुंबई जाएंगे सलमान खान, तो इस वक्त एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं और कुछ देर बाद ही वो मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। तो हम आपको बता दें, कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी और उसके बाद आज उन्हें कुछ देर पहले ही जमानत मिली और अब सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद वो जेल से बाहर आ चुके हैं। तो इस वक्त सलमान खान जोधपुर एयरपोर्ट जा रहे हैं, जहां से चार्टर्ड विमान से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान जेल से बाहर आ चुके हैं और अब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं जोधपुर जेल से, और अब से कुछ देर बाद ही वो मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जेल के बाहर सलमान खान के फैंस की भीड़ लगी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो है राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर सलमान खान को जेल से रिहाई मिल गई है। जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं सलमान खान। 25,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिली है चार्टर्ड प्लेन से। अब से कुछ देर बाद वो मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। इस वक्त वो जोधपुर एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो मनोहर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस वक्त? जी, बताना चाहूंगा कि अभी सलमान को रिहाई मिली है, जेल से निकले हैं सलमान अभी एयरपोर्ट के लिए। सलमान के प्रशंसकों ने जोरदार टाइगर जिंदाबाद के नारे लगाए। जी, तो उन्हें जेल से रिहाई तो मिल गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विश्नोई समाज की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है मनोहर? विश्नोई समाज की प्रतिक्रिया, विश्नोई समाज इस मामले के अंदर हाईकोर्ट के अंदर अपील करेगा। अभी टाइगर फोर्स की तरफ से, विश्नोई समाज की ओर से बताया गया है कि जल्द ही वो हाईकोर्ट की तरफ जाएंगे। और किस तरीके से फैंस जो है वो खुशियां मना रहे हैं सलमान की रिहाई पर? सलमान की रिहाई पर सलमान के प्रशंसकों के अंदर बहुत ही खुशी की लहर है और जगह जगह सलमान को एक झलक पाने के लिए जगह जगह जोरदार जमावड़ा लगा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सलमान खान जेल से बाहर आ गए हैं और जो सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान खान को 5 साल की सजा हुई थी और अब विश्नोई समाज जो है फैसले से खुश था, लेकिन आज रिहाई के बाद कहीं ना कहीं विश्नोई समाज दुखी है।
तो चलिए हम बात कर रहे थे कि आखिर दलित किसका। हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त जयपुर से। पिंटू, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जिस तरीके से दलितों के नाम पर सियासत जो है आज से नहीं बहुत पहले से होती आई है, लेकिन अब वर्तमान परिदृश्य को देखें तो दलित आखिर किसका, क्योंकि ये सवाल उठने लगा है कि दलित वोट बैंक की सियासत सभी पार्टियां कर रही हैं, तो दलित किसका। दलितों को लेकर हमेशा सियासत तेज रही है, सभी पार्टियां दलितों की हमदर्दी बनने का प्रयास करते रही है, दलितों को लेकर अपनी एक विचारधारा लेकर चलती रही है कि दलितों को साधने के लिए चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। लेकिन हमको इस चीज को देखना होगा कि जो दलित है वो पहले कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक माना जाता था। राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके तरफ दलितों का झुकाव ज्यादा था। लेकिन 2014 में जो एक लहर चली थी, मोदी लहर चली थी, उसमें ये जो दलित है कांग्रेस से चिटककर पूरा बीजेपी की तरफ आ गया था, क्योंकि बीजेपी भी कोई ये कहा जाता था जो अन्य विपक्षी दल वो ये बात ऐसा निशान साधते रहते थे कि जो बीजेपी है वो अगड़ों की पार्टी है, शहरी लोगों की है, स्वर्ण जातियों की पार्टी है। लेकिन जो मोदी लहर देश में चली थी 2014 में, उसमें पूरी तरह से दलितों का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा था और इसका एक जबरदस्त परिणाम देखने को मिला था। उसका फायदा दलितों को मिला था, काफी की संख्या में दलितों के विधायक और सांसद बीजेपी में जीत कर आए, बड़े नेताओं को यहाँ पर, चाहे वो उदित राज हो, इन तमाम बड़े नेताओं को यहाँ पर मौका भी दिया गया। लेकिन इस वक्त जो राजनीतिक परिदृश्य पूरा देश भर में बदला है वो बड़ा चिंतित करने वाला और एक समीकरण बदलते हुए प्रदर्शन नजर आ रहा है, क्योंकि दलित वोट बैंक जो मोदी लहर में छिटक के आया था वो बीजेपी अब कहीं ना कहीं उसको साधने में बड़ी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पूरे देश भर में दलितों के आंदोलन हो रहे हैं उसको लेकर बीजेपी काफी चिंतित है, क्योंकि वापिस एक बार फिर से ये जो वोट बैंक है जो बीजेपी की तरफ आया था वो कहीं ना कहीं छिटकता नजर आ रहा है। क्योंकि हाल ही में जो दलित आंदोलन हुआ था अभिषेक, जिससे ये साफ, जो बीजेपी राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में हिंसा का आंदोलन ज्यादा देखने को मिला, तो ऐसे में लग रहा है कहीं ना कहीं दलितों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है और इसका फायदा कहीं ना कहीं जो अन्य विपक्षी दल है वो उठा सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो गुजरात में जब दलित आंदोलन हुआ था उसका भी यहाँ पर खासा प्रभाव पड़ा था, गुजरात के चुनाव में प्रभाव पड़ा है। जो मोदी सरकार लगातार दलितों को साधने के लिए भीमराव अंबेडकर नाम से कई योजनाओं की शुरुआत कर रही है, पीएम मोदी कई बार अंबेडकर जी का जिक्र कर चुके हैं, अंबेडकर भीम ऐप के नाम से एक ऐप की शुरुआत कर चुके हैं, उसके साथ ही वो जो दलित इंडस्ट्रीज है उनके एक सेमिनार में शिरकत कर चुके हैं लगातार इनको साधने के लिए। लेकिन जो आंदोलन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में जो आंदोलन हुआ था इसका असर बीजेपी पर साफ तौर पर पड़ने वाला है, क्योंकि 9 अप्रैल से 15 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के चलते ये एक संविधान सप्ताह समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर दलितों को साधने के लिए कई रैलियां और सभा का आयोजन करेंगे। साथ ही जो अंबेडकर के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जो काम किए हैं वो दलितों को बताने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर को नकारने का प्रयास किया है, लेकिन बीजेपी इन 4 सालों में अंबेडकर को आगे लाने का प्रयास किया, अंबेडकर के नाम को आगे लाने का प्रयास किया। लेकिन जो ये आंदोलन हुआ उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी की जो दलित नेता है शायद वो भी खुलकर नाराज है। बीजेपी इन्हीं चीजों को डैमेज कंट्रोल करने में जरूर एक तरीके से कहें तो वो जुटी हुई है। इस वक्त हमारे साथ दलित नेता है गोपाल डेनवाल साहब जुड़ गए हैं। गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू गोपाल जी। अगर वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो दलितों के नाम पर सियासत तो बहुत होती रही है, लेकिन उन्हें आज भी जब 21वीं सदी, जब हम चीजों को डिजिटल करने की बात कर रहे हैं, उस दौर में भी दलितों को सिर्फ एक वोट बैंक तक ही सीमित छोड़ दिया गया है, वजह क्या मानते हैं? क्या आज भी दलितों के नाम पर बस सियासत होती रहे? जी ऐसा है, आजादी के 70 दशक बाद जिस प्रकार से दलितों को वोट की मशीन समझ रखा है इन पार्टी के लोगों ने, और 2 तारीख को ये दिखा दिया कि हम वोट की मशीन नहीं है, सदियों से श्रेणी के बाद हम चोट की मशीन है, शांति प्रिय लोग है, शांति प्रिय लोगों ने शांति प्रिय तरीके से किया, परंतु असामाजिक तत्वों ने कुछ किया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सर, क्षमा मांगने से 10 लोगों की जो मौत हुई वो वापस नहीं आ जाएंगे? आज भी हमारे लोगों को गोपाल जी क्षमा मांग लेने से वो 10 लोगों जिनकी जान गई वो वापस नहीं आ जाएंगे? हमारे भी तो लोग मरे हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियां क्यों पैदा होने दी जाती है? नहीं बिल्कुल, हम जो है हम ये शांति भी आज दिन तक पूरे देश के अंदर हमने कभी भी किसी दलित ने अशांति पैदा नहीं की, न करेगा, परंतु मरता क्या नहीं करता बिना नहीं बिना, एक चीज आप सोचे, एक चीज गोपाल जी, एक चीज आप सोचे, जो कुछ भी 2 अप्रैल को हुआ उसका चेहरा क्या था? क्या कोई चेहरा था? नहीं,
कोई नेतृत्व था नहीं, कोई चेहरा नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं था, कोई नेता नहीं था। स्व प्रेरित लोगों ने आकर के और भारत बंद में शामिल हुए। हमें भी आशा नहीं थी, हमने बिल्कुल देश सभी पूरे देश के अंदर प्रयास में देश ही शांति प्रिय तरीके से हो, परंतु जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि भाजपा ऐप के माध्यम से या अंबेडकर के साथ में हमने ऐप के माध्यम से हम क्या करेंगे, क्या हमको रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, क्या अंबेडकर कॉलेज, क्या विद्यालय, क्या महाविद्यालय बना के दे रहे हैं, क्या हमारे हर स्टैंड पर कॉलेज विद्यालय महाविद्यालय बना के दे रहे हैं, क्या हमारे जनसंख्या अनुपात में सर एक चीज बताइएगा गोपाल जी, एक चीज बताइएगा, अंबेडकर की अंबेडकर का नाम तो सब लेते हैं, अंबेडकर का नाम सब जपते हैं, अंबेडकर ने क्या कहा, वो क्या चाहते थे, इस चीज के बारे में कोई सोचता है? कभी नहीं सोचते। तो फिर उनका नाम क्यों जपते हैं? नहीं ये तो पार्टियां इनको वोट को, तो फिर उनका नाम जपने की जरूरत क्या है? नहीं अंबेडकर साहब ने आज पूरा 2 अप्रैल को पूरा देश 2 अप्रैल को पूरा देश सड़कों पर उतर आया, क्या जो SC ST एक्ट था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था? नहीं SC ST एक्ट जो है उस टाइम नहीं दिया था, ये तो सारी पार्टियों ने बना करके और भारत तो एक चीज आप बताए तो एक चीज आप बताए गोपाल जी, तो दलितों में इस चीज को लेकर जागरूकता क्यों नहीं पैदा की जाती है? बिल्कुल जागरूकता सभी स्तर से, जागरूकता का परिणाम ही है 2 अप्रैल जो बिना अच्छा जागरूकता का परिणाम है हिंसा, यानी आप जागरूकता का परिणाम बता रहे हैं कि हिंसा है जागरूकता का परिणाम? हिंसा में हम कतई विश्वास नहीं करते हम सर। एक जवाब देंगे गोपाल जी, एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा कि 2 अप्रैल को जितने लोग सड़कों पे उतरे थे उनमें से कितने प्रतिशत लोगों को यह पता था कि SC ST एक्ट जो है वो है क्या, कितने प्रतिशत लोगों को पता है? ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि आधे ज्यादा लोगों को पता था। अच्छा, हमारे संवाददाताओं ने मोहल्ले में छुआछूत होती है, अन्याय होता, अत्याचार होते हैं। पहली बात तो मुकदमे दर्ज नहीं होते, 100 में से किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं होता। मुकदमा दर्ज होता है तो उसके बाद में राजीनामा करवा दिया जाता है, FIR लगा दी जाती है। तो सबको पता है कि SC ST हमारा सुरक्षा कवच है। तो गोपाल जी ये दुख नहीं होता है? आज भी श्रीराम घोड़ी से उतार दिया जाता है, आज भी अन्याय होता है, आज भी अत्याचार होता है। और उसको हर गांव गली के अंदर आप सरकारी आंकड़े उठा के देखो ना, आप कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। सर वही तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि तकरीबन 30% जो है वो झूठे आरोप लगाए गए, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संशोधन की बात कही। अरे झूठे आरोप तो दूसरे लोग जो मगुद में है ना उनमें होते, हमारे तो लोग झूठ बोलना आता ही नहीं है। SC ST के लोग तो झूठ बोलना आता ही नहीं है उनको। हमारे तो सरेआम अन्याय होने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं होते, और बड़ी मुश्किलों से 135 में कार्रवाई करने के बाद कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसके बाद में भी जो है चालान नहीं होता, चालान भी राजीनामा के क्षेत्र। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट झूठा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट झूठा है। अगर कितने मुकदमा दर्ज, गोपाल जी इसका मतलब तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट तुम चालान हुआ नहीं, तो इसका मतलब तो यही है गोपाल जी, इसका मतलब तो यही कि सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है। फिर जो 30% वहां पहुंची है वो झूठा है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट झूठा है। मुकेश जी अलावा जी, मुकेश के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, संसद चल रही है, संसद में बुला करके उसको अपाट करें और यथावत रखें, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार। चलिए चीज सही है, इस वक्त हमारे साथ मुकेश चेलावत जी BJP से जुड़ गए। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद अवधेश जी। मुकेश जी एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, आखिर क्या वजह है कि दलितों के नाम पर सियासत बहुत हो रही है, और पिछले कुछ वक्त की अगर हम बात कर लें तो चुनौतियां BJP के लिए खड़ी हो गई हैं। दलित सांसद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय आया है जी, उसके ऊपर हमारी केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। केंद्र सरकार भी इस बात को मानती है कि अगर ST एक्ट के अंदर कोई छेड़छाड़ होती है तो इससे कमजोर होता है, ये एक्ट कमजोर होता है। और आपको सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने 14 अप्रैल 2016 को इस एक्ट को और मजबूत करने के लिए इसमें और एडिशनल अमेंडमेंट किए थे, इसमें और मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ते सुझाए हैं वो इस एक्ट को कमजोर करने के लिए है। नहीं, कमजोर करने से तात्पर्य है कि इसमें अगर शिथिलता आएगी
और उसमें इसके आधार पे जो एससी एसटी एक्ट बना था तो त्वरित न्याय की जो संभावना थी उसमें संभावनाएं कम होती है। कारण क्या है कि जो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जो कार्य हो रहा है और जो अगर उनको 7 दिन का समय अगर मिलता है तो हो सकता है उस बीच में उनको हरेसमेंट के द्वारा हाथों सहित किया जा सकता है। केंद्र सरकार की मूल भावना है कि एससी एसटी एक्ट के साथ में किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना होना चाहिए, लेकिन इसमें दूसरी बात यह आ रही है कि जितना सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की है उससे ज्यादा कांग्रेस ने एससी एसटी जनता को भड़काने के लिए अपने नेताओं को बीच में छोड़कर इस प्रकार के जो 2 तारीख को घटना हुई है उसको बंद कराने का प्रयास किया है। और जो घटना हुई है उससे एससी एसटी और स्वर्ण वर्ग ओबीसी स्वर्ण और इनके बीच में एक लंबी खाई बनाने की कोशिश की है। तो यानी कि आप कंट्रोल कर पाने में असफल हैं, कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, 21 राज्यों में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पे हिंसा भड़कती है। इकट्ठा कर दिया जाए, कंट्रोल करने का तात्पर्य नहीं है कि जो 100-200 लोगों को मार दे उसके बाद हम उसको। सर अगर पुलिस प्रशासन चाहती, पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो ये हालात होते, प्रयास करता है पुलिस प्रशासन अगर चाह लेती तो ये हालात होते जो 2 अप्रैल को हुआ? नहीं, पुलिस प्रशासन ने यही चाहा है कि इनको प्रेम से समझाइश के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाए। और छुटपुट घटना है तो सभी चाहे वो करनी सेना के आंदोलन रहे हो, कोई भी रहे हो, छुटपुट घटना हुई है। ये छिटपुट घटना थी सर, जोधपुर में एसआई को मार दिया जाता है, ये छिटपुट घटना है? नहीं, वो बिल्कुल है। इसके अंदर आपको एक बार देखना पड़ेगा कि इसमें एससी एसटी के लोगों के साथ साथ में कुछ असामाजिक तत्व भी बीच में भीड़ में शामिल हुए थे और उन लोगों ने इस प्रकार के घृणित कार्य किए हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं मुकेश जी कि कंट्रोल कर पाने में प्रशासन पूरी तरीके से फेल रही। नहीं, पूरे प्रशासन ने पूरा प्रयास किया इसको कंट्रोल करने का, लेकिन आप ये बात देखिए कि अगर प्रदेश के अंदर 1-2 घटनाएं होती है तो इसका मतलब और जगह तो कंट्रोल किया ही है ना प्रशासन ने। अब जहां असामाजिक तत्व अपना खेल खेलने में सफल हो गए वो चीजें हाईलाइट हो जाती है, जहां पर कुछ नहीं होता तो पुलिस को कोई वाई वाई नहीं देता है कि पुलिस ने बहुत अच्छा से इसको कंट्रोल किया है। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर कोई 2-4 घटना होती है और पूरे प्रदेश के अंदर अगर 200 जगह आंदोलन हुए हैं, 200 जगह अगर मूवमेंट हुआ है तो बाकी के स्थानों पर तो शांतिपूर्वक कार्यक्रम निपटा ही है ना। ये चलिए, तो बड़ी हकीकत तो यही है कि दलितों के नाम पर आज भी सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, उन्हें एक वोट बैंक की तरह ही समझा जा रहा है। वक्त इतना ही है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। पिंटू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सियासत तो बहुत हो रही है दलितों के नाम पे, लेकिन फिर सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर दलित किसका। कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहे न्यूज इंडिया, नमस्कार। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।